ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालिया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग फिर से उठाई है। उन्होंने युवाओं से इस पहल में शामिल होने की अपील भी की है। डॉक्टर संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाने के समर्थन में आह्वान किया। उनका कहना है कि इससे प्रशासनिक नियंत्रण आसान होगा और क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। उन्होंने पूर्वी यूपी की तुलना करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी पिछड़ा हुआ नहीं है और इसका विभाजन समय की मांग है। मेरठ में एक सेमिनार में उन्होंने यह मांग दोहराई और जागरूकता अभियान चलाने का संकेत दिया। करीब 25 करोड़ आबादी है और शायद उत्तर प्रदेश कई अन्य राज्यों से पिछड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये उत्तर प्रदेश का आकार जो इतना बड़ा है, जो आबादी इतनी बड़ी है। बहुत पहले से मांग रही है उत्तर प्रदेश के लोगों के उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए और ये कोई लड़ाई नहीं है कि पूर्व और पश्चिम और बुंदेलखंड की लड़ाई। अगर पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो शायद वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी पिछड़ा है। डिवीजन हो, जो भी प्रदेश छोटे बने हैं, उत्तराखंड हमसे निकलकर बना है। आज उत्तराखंड की प्रगति देखिए, महाराष्ट्र जीडीपी में पूरे देश में नंबर वन है, उत्तर प्रदेश से आधा होने के बावजूद। युवा साथी इसके बारे में विचार करें, आगे आए युवा। छोटा प्रदेश होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बेहतर रहेगा, विकसित होगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य बनेगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।